بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah, you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, अभी इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा और क्वेश्चन नंबर 6 होगा. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है x minus 5 over x square plus 2x minus 3. हमने जो अपने लिए पहचान याद रखी है 4.1 एक्सरसाइज की, उसमें हमने ये कहा है कि फ्रैक्शन में 2 ब्रैकेट्स आनी चाहिए और दोनों ब्रैकेट्स सिंगल पावर में होनी चाहिए. इट मींस इसको हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा. सबसे पहले हम टेबल रीड करेंगे. 3 1s are 3, प्लस का 3x, माइनस का 1x minus 3. तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाएं, फर्स्ट टू में से कॉमन हमने क्या लिया, x, x plus 3 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 1 कॉमन लिया, x plus 3 आ गया. अब ये जो x plus 3 हमारा 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम कॉमन आएगा और बाकी हमारे पास x minus 1 बच जाएगा. तो स्टूडेंट्स, अब ये हमने वो फॉर्म बना ली है जिस फॉर्म में हमारी 4.1 एक्सरसाइज का रूल है. तो हम अब इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे, इसको हम लेफ्ट लिखेंगे और इस पे जब हम इसके टू पार्ट्स करेंगे, x minus 1 के ऊपर अल्फाबेट a आएगा प्लस x plus 3 के ऊपर अल्फाबेट b आएगा और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1. तो स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है कि यहां पे फ्रैक्शन को खत्म करना है. फ्रैक्शन को खत्म करना है बाय मल्टीप्लाइंग x minus 1 x plus 3 lcm on both sides. ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो यहां पे x minus 1 भी कैंसिल हो गया, x plus 3 भी कैंसिल हो गया, यहां से x minus 1 कैंसिल हो गया और यहां से हमारे पास x plus 3 कैंसिल हो गया. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, यहां से x minus 5 बच गया, इक्वालिटी का साइन, x plus 3 हमारे पास बच गया into a plus x minus 1 हमारे पास बच गया into b. ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2. अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 टाइम्स राइट करना है. जब हम इसको 2 टाइम्स राइट करेंगे, एक वैल्यू हमने x minus 1 is equal to 0 पुट करनी है, x is equal to 1, जहां-जहां पे x है उसकी जगह पे 1 पुट किया, ये minus 4 आ गया, 3 plus 1 4 आ गया into a, ये हमारे पास 0 होगा और वो b को भी 0 कर देगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. 4 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आप ये डिवाइड होगा, जब इसकी कैंसिलेशन होगी 4 1s are 4, 4 1s are 4, हमारा आंसर आ जाएगा minus 1. तो a का आंसर हमारे पास minus 1 आ गया. अब इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट हमारे पास x plus 3 है, उसको पुट किया तो x is equal to minus 3 आ गया. अब यहां पे जहां पे x है वहां पे minus 3 पुट किया, कैलकुलेटर से करेंगे ये minus 8 आ जाएगा, ये a के साथ 0 है तो वो a को भी 0 कर देगा. minus 3 minus 1 मिलके minus 4, ये minus 4 जब यहां पे आके डिवाइड होगा, क्योंकि ये b के साथ ब्रैकेट में है, इट मींस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे नेगेटिव साइन से कैंसिल होंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो b का आंसर हमारे पास 2 आ गया. तो स्टूडेंट्स, अब हमने हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर, जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस आर लिखते हैं, इट मींस हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करनी होती हैं. a की जगह पे -1, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा क्वेश्चन होता है, इसलिए हम इसको राइट नहीं करते, राइट हैंड साइड को जस्ट राइट करते हैं. इसमें a की वैल्यू भी पुट कर दी, b की वैल्यू भी पुट कर दी और ये हमारा आंसर आ गया. जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजॉल्विंग टू पार्शियल फ्रैक्शन. इसमें क्वेश्चन में दोनों ब्रैकेट्स हैं और दोनों सिंगल में हैं, इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. आपने इसको डायरेक्ट लेट में लिखना है, फर्स्ट ब्रैकेट a और दूसरे ब्रैकेट के ऊपर b. ये हमारी आज की इक्वेशन नंबर 1. अब बाय मल्टीप्लाइंग x - 4 x - 3 ऑन बोथ साइड, ताकि इसकी फ्रैक्शन को खत्म किया जा सके,
यहाँ पे x माइनस फोर एक्स माइनस थ्री दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से x माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग ये वैल्यूज बच जाएंगी, इसको हम इक्वेशन नंबर टू कह देंगे। स्टूडेंट्स अब ये इक्वेशन नंबर टू को हमने दो दफा राइट करना है, एक ब्रैकेट x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू फोर हमारे पास बच जाएगा, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे हमने 4 पुट किया, 7 4s are 28 minus 25 आंसर विल बी 3, 4 minus 3 1 आ गया, 4 minus 4 0 हो जाएगा, वो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, ये 1 यहां पे आगे डिवाइड भी होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a का आंसर हमारे पास 3 आ गया। अब दूसरी वैल्यू जो हमने पुट की x is equal to 3 आया, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे हमने 3 पुट किया, ये कैलकुलेटर पे राइट करेंगे माइनस 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 माइनस 4 हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 यहां पे आके डिवाइड होगा तो ये माइनस का साइन माइनस से कैंसिल और 4 को 1 पे डिवाइड करें और आंसर b का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास a और b दोनों का आंसर आ जाए तो हमने यहां पे लेफ्ट वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है यहां पे हमने a की वैल्यू पुट करनी होती है, a की जगह पे 3 आ गया, b की जगह पे हमारे पास 4 आ गया, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इस लेक्चर में हमारा जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डू योर होमवर्क टास्क ऑन नीट रजिस्टर एंड सेंड पिक्स ऑफ होमवर्क टू अस। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह ब्लेस यू।